नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे किसान भाई जो है वो कंक्लूजन में रहते हैं कि हम कौन सा ट्रैक्टर लें। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं वो उनके पास 35 HP का ट्रैक्टर भी है, बहुत सारे किसान भाई हैं उनके पास 50 HP का ट्रैक्टर भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रैक्टर किस हिसाब से लेना चाहिए, कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए और किस आधार पे लेना चाहिए। तो जो भी किसान भाई चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि चैनल से जुड़ी आपको जानकारी मिल सके और आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि किसान दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने तो ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर लिया है और इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बात करूँगा कि आपको सेकंड हैंड मिल जाए तो सेकंड हैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर आपको नया लेना चाहिए ये भी मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपके काम क्या है, आपके मतलब आपको किस हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए ये आपको देखना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसा कि मेरे खेती का काम था तो मैंने खेती के हिसाब से इस ट्रैक्टर को भी लिया, अगर 10-35 होता तो वो भी मेरे यहाँ पे काम चला देता क्योंकि मेरे जो है अधिकतर काम हकाई जुताई का और खेती का काम है। अब अगर आपके हकाई जुताई का या खेती का काम है तो आप 35 से 40 HP तक का ट्रैक्टर मैं कर सकता हूँ प्रेफर। अब इसमें आप देख सकते हो 241 ट्रैक्टर, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि ये रोटावेटर सही से चला नहीं पाता, इसके RPM वगैरह सही से सेट नहीं हो पाते। तो देखिए इस पर मैं बता देता हूँ, इस पर सिर्फ रोटावेटर चलेगा 6 फीट का, अगर आप 7 फीट का भी इस पर लगाओगे तो थोड़ा सा ट्रैक्टर पर लोड देता है वो। अगर 6 फीट का रोटावेटर होगा तो वो बढ़िया चलेगा। और रोटावेटर देखिए कंपनी अलग अलग रहती है, कंपनियों का भी फ़र्क पड़ता है, किसी के RPM सेट होते हैं तो उसमें RPM वगैरह रहते हैं, चक्कर आते हैं, उसमें गिरारी रहती है, आप उसके द्वारा आपको सेट करना पड़ता है तो वो आपको सेट करवानी पड़ती है। और यह तो बात बताई मैंने रोटावेटर की, अगर वहीं इस पे अगर मैं 8 फीट के रोटावेटर या 7 फीट के रोटावेटर या 9 फीट के रोटावेटर की भी बात कर लेता हूँ, मैं 8 फीट के रोटावेटर की भी बात कर लेता हूँ तो वो इतना अच्छा नहीं खींच पाएगा ये ट्रैक्टर, क्योंकि देखिए इसकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ 42 HP का ट्रैक्टर है तो इसकी PTO पावर आपको 37 से 38 HP तक ही मिलती है इसकी PTO पावर। और अगर वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ जिससे कि 50 HP का ट्रैक्टर मान लीजिए, जैसे कि अगर आपने इसी कंपनी में अगर 50 HP का ट्रैक्टर लिया है तो वो आपके 7 फीट से 8 फीट के रोटावेटर को आराम से खींच लेगा। तो उसमें क्या रहता है, PTO पावर ज़्यादा रहता है, यानी कि उसमें 44 HP से 45 HP तक आपको PTO पावर मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं PTO में प्लस पॉइंट रहता है। अगर आपके थ्रेसर का काम है या आपके रोटावेटर का काम है, ज़्यादा आप किराए भाड़े चलाना चाहते हो, या आपके रोटावेटर का थ्रेसर का या पल्टी प्लाउ का काम है तो आप बड़े ट्रैक्टर पे जा सकते हो, यानी कि बड़े HP यानी कि 50 HP से 45 HP तक का आप ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्रैक्टर लेना चाहते हो। अब आपके अगर घर का काम है, आपके ज़मीन ज़्यादा है या आपके पास ज़मीन ज़्यादा है या फिर आपके ट्रॉली का काम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, 50 से 55 HP 60 HP तक का भी ट्रैक्टर ले सकते हो। अगर ज़मीन आपके ज़्यादा है और आपके थ्रेसर का काम भी है, पल्टी प्लाउ का काम भी है, और अभी तो एक नई सीड ड्रिल चली है जिसमें रोटावेटर और दोनों चलते सीड ड्रिल दोनों चलते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि वो अधिकतर किसान भाई जो है वो हरियाणा पंजाब साइड चलाते हैं। अभी हमारे MP में तो उतना, मेरे एरिया नीमच एरिया की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर उतनी वो सीड ड्रिल का चलन नहीं है, अधिकतर जो है लहसुन वाली और ये अपने जो लहसुन वाली होती है उसी सीड ड्रिल से अधिकतर किसान भाई अब हमारे क्षेत्र में बुवाई वगैरह करते हैं गेहूं वगैरह की। तो अभी उसका हमारे यहाँ इतना चलन नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे किसान भाई पंजाब साइड हरियाणा साइड से तो उनको ज़्यादा HP का ट्रैक्टर लेना पड़ सकता है क्योंकि उस पर जो है अधिकतर PTO HP की पावर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उनको जो है 50 HP से ऊपर ही मतलब ट्रैक्टर लेना पड़ सकता है उस सीड ड्रिल में, जिसमें कि रोटावेटर और बुवाई दोनों एक साथ होती है, जिसको कि ऑटोमेटिक सीड ड्रिल बोलते हैं, वो अभी नहीं चली है तो हमारे क्षेत्र में तो अभी मेरे को देखने को नहीं मिली और मैं बता रहा हूँ हमारे क्षेत्र में जो है वो नॉर्मली सीड ड्रिल वो चलती है। तो अगर आपके काम ज़्यादा है, अगर आपको लेज़र वगैरह का काम है या आपको कंप्यूटर मांझे का काम है तो आपको जो है मैं सजेस्ट करूँगा आप बड़ा ट्रैक्टर ही ले, बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही ले। आप देखिए इसमें बहुत सारे किसान भाई कंक्लूजन में ये भी रहते हैं कि छोटा ट्रैक्टर रहता है वो तेल कम माइलेज अच्छा देता है और बड़ा ट्रैक्टर थोड़ा सा तेल ज़्यादा खाता है। तो देखिए ये मैं बता देता हूँ, अगर छोटा ट्रैक्टर को हम ज़्यादा बड़े काम पर यूज़ करेंगे तो ट्रैक्टर दबता है, तो दबने के बाद क्या रहता है, ट्रैक्टर डीजल
लेगा ही लेगा। अगर ट्रैक्टर का लोड पे चलेगा तो डीजल ज़्यादा उठाएगा, और वही अगर ट्रैक्टर पे लोड नहीं है तो ट्रैक्टर वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से डीजल मतलब माइलेज देगा, डीजल लेगा ट्रैक्टर का इंजन। तो ये आपको चीज़ समझ लेने की सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको लोड कितना है और क्या लोड पे आप ट्रैक्टर चला रहे हो। अगर मैं इस पर 8 फीट का रोटावेटर चलाऊंगा तो वो रोटावेटर भी नहीं चलेगा सही से, दूसरा इसमें मेरे को माइलेज काफ़ी कम मिलेगा, और अगर 6 फीट का इस पर चलाऊंगा तो माइलेज भी अच्छा मिलेगा और ट्रैक्टर भी बढ़िया चलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको किस हिसाब से और किस किस इम्प्लीमेंट को आपको ट्रैक्टर पर चलाना है। तो ये मैंने बातें बताई है। अगर आपके खेती बाड़ी का काम है, अगर आपको सिर्फ हकाई जोताई करना है तो आप 35 HP से 40 HP का ट्रैक्टर लीजिए। अगर आपके ट्रॉली वगैरह का काम है तो आप 35 से 40 HP का ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। अगर आपके फिर बड़ा काम है, मान लीजिए आपके अगर बड़ी ट्रॉली है या बड़ा काम है आपके, तो आप उस पर HP बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप 45 से 50 HP का ट्रैक्टर ले सकते हैं अगर आपको पल्टी प्लाउ या किराए भाड़े का काम करना है, या आपके 6 से 7 फीट का रोटावेटर चलाना हो, या फिर आपको थ्रेसर का काम है, तो आप यहाँ पे 50 HP तक का ट्रैक्टर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा थ्रेसर वगैरह प्लाव के काम में। 45 HP भी रहेगा लेकिन 50 बेस्ट काम करके आपको देगा 50 HP का। अब आपको ये बता देता हूँ मैं कि बहुत सारे किसान भाई ये भी कंक्लूजन में रहते हैं कि यार कि मेसी कंपनी के ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, और बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि महिंद्रा कंपनी की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। तो देखिए, मैंने तो मेरे क्षेत्र में बात कर लेता हूँ, मैं तो यहाँ पर अधिकतर मेसी ट्रैक्टर ही पसंद है किसानों की, और अधिकतर मेरे गांव में ऐसा नहीं है कि मेसी है, मेरे गांव में जॉन डियर भी है, आयशर ट्रैक्टर भी है, महिंद्रा यूवो भी अभी ट्रैक्टर नया आया है। और तो ट्रैक्टर जो है, देखिए कंपनी जो रहती है वो सभी प्रकार के अच्छे ट्रैक्टर देती है। अब रीसेल वैल्यू की बात कर लेता हूँ तो मेरे क्षेत्र में जैसे कि मेसी फर्गूसन कंपनी का जो है शोरूम, सबसे पहले मेरे नीमच क्षेत्र में खुला था, और आज की टाइम में न्यू हॉलैंड, कुबोटा, जॉन डियर, महिंद्रा, स्वराज, आयशर, ये सभी प्रकार की कंपनियों के शोरूम जो है, सोलिस भी मिल जाएगा आपको, तो ये सभी प्रकार की कंपनियों के शोरूम आज हमारे क्षेत्र में अवेलेबल है। और पहले के समय में बात और थी कि जैसे कि एक शोरूम रहता तो वो एक ट्रैक्टर ही आपको एक एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता था। तो अलग अलग शोरूम में, जैसे कहीं कहीं सोनालिका का शोरूम पहले खुला था तो वहाँ क्षेत्र, उस क्षेत्र में आपको सोनालिका के ट्रैक्टर अधिक देखने को मिलेगा। जैसे कि एक ट्रैक्टर कोई भी किसान लेके आता है तो उसकी कभी भी बुराई नहीं करता है, तो फिर दूसरे किसान के भी दिमाग में यही बात बैठती है कि ट्रैक्टर हम यही ले। तो देखिए, ट्रैक्टर कंपनियां सभी बढ़िया है, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन देखिए सबके फीचर और अलग है, और कुछ में खासियत भी रहती है। जैसे कि अब धीरे धीरे ट्रैक्टरों में अगर बात की जाए तो जैसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे सभी कंपनियां कर रही है ट्रैक्टर में, जैसे कि मेसी कंपनी भी कर रही है, महिंद्रा भी कंपनी कर रही है, और धीरे धीरे सभी कंपनियां जैसे आयशर कंपनी, ये धीरे धीरे सभी कंपनियां इम्प्रूव कर रही है ट्रैक्टर को। तो सब कैटेगरी वाइज अलग अलग ट्रैक्टर है। अब जैसे कि मेसी की मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेसी में आप इसमें चाहो तो आपको 2-3 तरह के इसमें 241 में ही मॉडल मिल जाएंगे आपको। प्लेनेटरी प्लस मिल जाएगा आपको, सादा ब्रेक का ट्रैक्टर मिल जाएगा इसमें आपको, इसमें साइड गियर का मिल जाएगा आपको, इसमें टनल मिल जाएगा आपको इसमें, और इसमें डायनाट्रैक जो सीरीज आई है वो मिल जाएगी आपको, इसमें 4x4 मिल जाएगा इसमें। तो बहुत सारे मतलब एक ही HP में बहुत सारी कैटेगरी कंपनी ने कर रखी है। तो आपको जो है, मैंने बताया है कि ट्रैक्टर आपको किस हिसाब से लेना है, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ट्रैक्टर सेकंड हैंड लेना चाहिए या नया लेना चाहिए। तो अगर आपके प्राइस में अच्छा है, ट्रैक्टर कंडीशन बढ़िया है, टायर वगैरह की अच्छी कंडीशन हो, या आपको फ़ायदा दिखने को मिल रहा है, अगर आपके ट्रैक्टर कोई भी आपको अगर 500 घंटे भी चला हुआ ट्रैक्टर आपको अगर 1 से 1.25 लाख रुपए तक अगर सस्ता मिल रहा है, और ट्रैक्टर बढ़िया कंडीशन में है, कोई इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके कागज़ वगैरह भी कंप्लीट है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा वो ट्रैक्टर आप लीजिए। अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं या EMI पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप फिर नया ट्रैक्टर ही लें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ब्याज की परसेंट ज़्यादा लगती है EMI पे अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं, और अगर नया ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमको काफ़ी ज़्यादा कम से कम आधे पैसे का फ़ायदा थोड़ा सा मिलता है उसमें, और ट्रैक्टर भी हमारा नए का नया रहता है। तो आप चाहो तो ये दो चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपको अच्छी कंडीशन में ट्रैक्टर सेकंड हैंड मिल रहा है, या अगर आप कैश प्राइस में लेना चाहते हो, आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप कैश प्राइस में लीजिए, लेकिन आपको देखना ये भी है कि उसके कागज़ वगैरह कंप्लीट है, कोई इशू या कोई फॉल्ट तो नहीं है, और दूसरा ट्रैक्टर को भी आपको देखना है चला के, अच्छे कोई मिस्त्री जानकार हो उनको भी बताना है ट्रैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये ट्रैक्टर लिया था, ये ट्रैक्टर
सेकंड हैंड भी लिया था, लेकिन इस पर फिर भी ज़्यादा नहीं 10-12 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा हुआ था, क्योंकि इसमें मैंने आयल वगैरह चेंज कराया था और इसमें एक टोपलिंग मेरे ख़राब हो गई थी, तो टोपलिंग मैंने पीछे की इसमें नई डालनी पड़ी। तो अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं तो थोड़ा बहुत हमको खर्चा भी उसमें करना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी हमको थोड़ी सी देखनी पड़ती है। लेकिन नए ट्रैक्टर में हमको टाइम से टाइम सर्विस कराओ और 5 साल तक हमको देखना नहीं पड़ता है। अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी आप लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर देखें, इंजन वगैरह सही हो उसमें और मेंटेनेंस कम आए ऐसा देखें आप, और आपको पैसों में भी वो बजट में भी आपको सही मिले, तो वही सजेशन करूँगा आपके वही ट्रैक्टर लें। तो ये वीडियो पूरी थी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।